गया। अब इसको निकाल देते हैं, उतार देते हैं। क्या उतारिए, छोड़ दिए पत्ता अच्छी तरह रख। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बना लिए, पतरी टिप लिए हैं, इसी में पकौड़ा थापेंगे रोटी। देखिए पत्ते में इस तरह से हम लोग इसको बिछा रहे हैं अच्छी तरह से, ऊपर से एक पत हटाइए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग को गर्मा गर्म पतपौड़वा रोटी बन के हो गया है तैयार। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप लोग स्वस्थ और अच्छे होंगे और अपने अपने जिंदगी में मस्त और खुश होंगे। उन सभी भाइयों और दोस्तों को मेरा प्यार भरा दिल से नमस्ते, प्रणाम, गुड मॉर्निंग। दोस्तों सुबह के 8 बज रहे हैं और आप सभी को हमारी ब्लॉग्स में स्वागत करते हैं। और आज के ब्लॉग्स में दोस्तों आप लोग देख सकते हैं, आज हम लोग बनाने वाले हैं दोस्तों, क्या बनाने वाले हैं जी? मड़ुआ का रोटी, मड़ुआ चिक्का जो होता है ना दोस्तों, मड़ुआ का हम लोग पतपौड़वा रोटी बनाने वाले हैं दोस्तों, वो भी तावे में, क्या जी? हाँ जी। तो आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए। और कैसे बनाते हैं देखिए, एकदम पूरा एकदम पहाड़ी तरीके से बना रहे हैं। अभी फिलहाल हम लोग कुछ नहीं बनाए दोस्तों, सुबह सुबह देखिए इधर चूल्हा बनल है, इधर ईंट का हम लोग लकड़ी जुगाड़ कर लिए हैं और चूल्हा जला रहे हैं। फिलहाल अभी खाना वाना कुछ नहीं बनाए, क्या जी? ये जो काले काले चिक्कस है दोस्तों, ये है मड़ुआ का गुंडी, इसी में हम लोग आज पतपौड़वा रोटी बनाएंगे। सुबह सुबह नाश्ता यही होगा दोस्तों। और ये है पूरा हेल्दी और टेस्टी रहता है एकदम, मड़ुआ का रोटी खाना चाहिए एकदम, थोड़ा टेस्टी लगता है। तो देखिए इधर अभी चूल्हा नहीं जलाए हैं, उधर प्याज कटिंग हो रहा है, प्याज मिक्स करेंगे इसमें हम लोग। सब अपने अपने तरीका से बनाते हैं दोस्तों, बस हम लोग अपने तरीका से बना रहे हैं। आप लोग भी बनाए होंगे पर अपने तरीके से, और हम लोग बना रहे हैं अपने तरीके से, क्या जी? और इधर देखिए हम लोग प्याज मिक्स करेंगे और मिर्च भी डालिएगा। मिर्च नहीं डालेंगे, बाबू लोग जो है ना नहीं खा पाते हैं। हम लोग सुबह सुबह नाश्ता खाना आज खाना नहीं बनाए हैं इसी के लिए। मिर्चा खाएगी? मिर्चा नीचे फेंक देंगे। ओ तो हम लोग अभी चूल्हा नहीं जलाए दोस्तों, आज इसी का नाश्ता हम लोग बनाएंगे, क्या जी? क्योंकि ये इसको सुबह सुबह खाने से अच्छा होता है। इसमें प्याज मिक्स और नमक डाल दे रहे हैं अपने अनुसार, क्या जी? अब इसको सान देते अच्छी तरह से, एकदम छिलका की तरह ही सानेंगे। हम लोग आटा का पतपौड़वा रोटी बनाए थे, क्या जी? हाँ जी, ये मड़ुआ का पतपौड़वा रोटी हम लोग बनाने वाले हैं अभी। और हम लोग को चूल्हा दोस्तों सूखा नहीं है, उसको खुला छोड़ दिए हैं। धूप आ गया ना इसीलिए इसको खुला छोड़ दिया। हाँ, सूख जाएगा, इसलिए हम लोग ईंट का चूल्हा बनाए हैं फिलहाल। अभी लग रहा है पूरा कीचड़ पूरा मट्टी जैसा लग रहा है ना। परी बोल रही है मम्मी तू मट्टी का है सान रही है। परी बोल रही है मट्टी वाला रोटी नहीं खाएंगे, और हम लोग उसी के लिए बना रहे हैं, वही सब खाने के लिए, क्या जी? हाँ जी, पर हाँ तो मेरा बहुत खाता है, पर परी कह रही है हम भी खाते हैं। देखिए मड़ुआ का चिक्का से ये पूरा अच्छा लगता है एकदम खाने में, क्या? ये सना गया, हम ये ढक कर रख देते हैं और पत्ता थोड़ा सा सी लेते हैं। अच्छा हाँ, पत्ता में सीना होगा ना पतपौड़वा। हम लोग आज पतपौड़वा रोटी बनाने वाले हैं। पतपौड़वा रोटी बनाने के लिए तो देखिए इधर सखुआ का पत्ता है, सखुआ को पत्ता हम लोग टीप लेते हैं थोड़ा सा पतरी साइज में, ज़्यादा भाई बड़ा नहीं, तावे के साइज में, क्या जी? जो रोटी बनता है ना उसी के साइज में बनाते हैं। देखिए ये पत्ता हम लोग कल लाए थे ताजे ताजे, छाट छाट के क्या ले रही है, तो बहुत सारा सूख गया है और बहुत अंदर में कच्चा है, हरा पत्ता है, कल ही लाए थे तो सूख गया एक दिन में, तो उसी को टीपेंगे, क्या जी? पहले पत्ती टिप लेते हैं, उसी में पतपौड़वा बनाएंगे। आप लोग ब्लॉग्स में बने रहिए और देखिए किस तरह से बना रहे हैं एकदम पहाड़ी तरीके से। टिप रहे हैं पतरी? हाँ। लाइन हम भी टिप देते हैं, पकड़िए। तो देखिए ज़्यादा बड़ा बड़ा नहीं करना है दोस्तों, बस जो रोटी का साइज रहता है उसी साइज के हिसाब से हम लोग इसको पत्ते को टिपेंगे। अब ये इतना गोल भी नहीं बनेगा, पर हाँ जैसे तैसे बनाइए, खाली पकाना है रोटी इसमें, बस यही साइज रखना है। ये वो बन के तैयार हो गया, ऊपर नीचे लगेगा ना पतपौड़वा रोटी बनाने के लिए, ऊपर नीचे लगता है पत्ता, तो एक बना दिए ना, चार पांच पीस बनाइए, छह पीस कम से कम, क्या? हाँ जी। उसके बाद चूल्हा वूल्हा जला लेंगे हम लोग। तो देखिए दोस्तों, हम लोग बना लिए, पतरी टिप लिए, इसी में पतपौड़वा थापेंगे रोटी हम लोग, मड़ुआ का ज़्यादा नहीं बनाए हैं। देखिए इतना बड़ा बड़ा साइज, इसको धो लेते हैं ले जाके, क्या जी? वही धो देते हैं, हो गया, धो देते इसको नल का पानी से, जला लीजिए चूल्हा, इधर धोते हैं बस ये। क्योंकि पेट में खाना है ना, इसलिए धो के खाने अच्छा रहेगा।
पत्री को धो के ले आए हैं दोस्तों। अब इसमें कड़ुआ तेल लगा देते हैं, जो सरसों का तेल होता है ना, और ये जो लोया हम लोग बन के रखे हैं, बना के रखे हैं, तो इसमें हम लोग थापेंगे अभी, ताकि तेल इसलिए लगाएं ताकि पत्री में चिपक नहीं जाए। देखिए इधर ये रहा हम लोग को पतपड़वा रोटी बनने वाला है दोस्तों, एकदम हेल्दी और टेस्टी फूड है ये। देखिए पत्ते में इस तरह से हम लोग इसको बिछा रहे हैं अच्छी तरह से, ऊपर से एक पत्ता और ढक देंगे, और उधर हम लोग का तावा गर्म हो रहा, चूल्हा जला दिए हैं। सुबह सुबह का यही पहला नाश्ता है हम लोग को दोस्तों, आज खाना भी नहीं बनाए हम लोग इसी की वजह से। देखिए इसको ढक दिए हैं, अब उसमें तावे में चढ़ा देंगे। गर्म हो गया जी? हाँ, गर्म हो गया। थोड़ा सा कम आँच में डालना है। देखिए उधर चढ़ा दिए, एक चढ़ा दिए हैं दोस्तों, उसको उलट पलट करेंगे अभी नहीं, कुछ देर पकने देते हैं, तब तक इसको दूसरा में थाप रहे हैं। देखिए फिर से उसी से ढक देंगे पत्ते से, क्या जी? हाँ जी, इसको अभी उसको कम आँच में पकाना है, ज़्यादा आँच नहीं देना, नहीं पत्ता जर के राख हो जाएगा। थोड़ा सा दबा दे रही है देखिए चट्टू से, पकने दीजिए। ठीक, हाँ जी पक गई। थोड़ा सा भी लगेगा समय, थोड़ा पलट देते हैं ताकि आसानी से दोनों तरफ पक जाए, थोड़ा सख्त हो जाए, दोनों तरफ से सख्त हो जाए ना, सख्त हो जाएगा। काफी अच्छा लगता है दोस्तों खा के रोटी वाला, क्या जी? आप लोग के यहाँ अगर होगा तो अच्छा बना के देखिएगा एक बार, बहुत टेस्टी लगता है और हेल्दी भी है ये। थोड़ा सा लकड़ी भीग गया है ना, इसलिए थोड़ा सा दिक्कत थोड़ा जलने में, क्योंकि बारिश हुआ था 4-5 दिन, क्या जी? हाँ जी। हम लोग सुखाए हैं, देखिए मट्टी है लकड़ी पर, मतलब अंदर से हल्का हल्का कच्चे है, इसलिए थोड़ा सा भीग गया था ना, तो धीरे धीरे पका रहे, ज्यादा आँच भी नहीं देना, नहीं तो पत्ता जर के राख हो जाएगा और रोटी कच्चा ही रहेगा, कच्चा ही रहेगा, इसलिए हम लोग धीरे धीरे आँच कम लगाए हैं और बीच बीच में दबा दबा दे रहे हैं, दबा दे रहे पके फूक दीजिए। कम आँच में पका रहे हैं दोस्तों। हम लोग आटे का छिलका बनाए थे इस तरह से, लेकिन मलुआ का छिलका नहीं बनाए थे पतपड़वा रोटी। देखिए अपने आप छोड़ने लगा, जब पक जाता है ना तो ये पत्ता अपने आप निकल जाता है, देख सकते हैं आप लोग, जूम करके दिखा रहे हैं इधर, क्या जी? और भी थोड़ा सा सिकाएगा ना? हाँ जी, थोड़ा सा इधर आँच लग रहा है, एक तरफ हो गया है, देखिए पत्ता छोड़ दिया, पत्ता छोड़ दिया मान के चलिए तो हो गया, ये इधर भी छूट रहा है, इधर थोड़ा सा चिपका हुआ है ना, और भी पकने दीजिए। तो देखिए दोस्तों, हम लोग पहाड़ी तरीके से गांव देहात में पतपड़वा रोटी इसी तरह बना के खाते हैं। हम लोग पतपड़वा रोटी इसीलिए बना के खाते हैं ना दोस्तों, इसमें टेस्टी थोड़ा ज़्यादा लगता है। हम लोग चाहते हैं छिलका भी बना सकते थे, क्या जी? छिलका में उतना स्वाद नहीं लगता है जितना पतपड़वा में लगता है। परी कहाँ गई थी? बड़की मम्मी खाएगी, खाएगी नहीं रोटी तुम? क्या नाम है रोटी का? बोल रही मट्टी है। पक गया ना जी? हाँ जी पक गया। तो देखिए दोस्तों ये पक गया, अब इसको निकाल देते हैं, उतार देते हैं, क्या उतारिए, छोड़ दिए पत्ता अच्छी तरह, रख दीजिए सूप में। तो एक पीस हम लोग का बन गया दोस्तों, इसी तरह से बारीक बारीक से हम लोग 4-5 पीस रोटी बना लेते हैं छिलका, क्या जी? दूसरा चढ़ा दिए, देखिए इसको भी थोड़ा उतना ही समय लगे जितना पहले वाला मिल गया, पत्ता छोड़ा दीजिए उसको, दूसरा चढ़ाए हैं दोस्तों, पहला जो पका के रखे थे, देखिए इसका पत्ता निकाल रहे हैं हम लोग, पत्ता तो जल गया है पर रोटी नहीं जला होगा, क्या जी? देखिए कितना अच्छा बन के तैयार हो गया है एकदम, देखिए एकदम टेस्टी नाश्ता बन के हम लोग का सुबह सुबह तैयार हो गया है। ये तावा में भी छिलका बनाएगा नहीं तो ही काला लगेगा देखने में, क्योंकि ये मड़ुआ है ना, क्या जी? हाँ जी। तो इसके पत्ते जितने थे सब उचार दिए हैं, और इधर देखिए इस तरह से बन के तैयार हुआ है टेस्टी टेस्टी नाश्ता, मुर्गा का पतपड़वा रोटी बनकर तैयार हुआ है। हाँ, दूसरा दिए हैं, देखिए जी पलट दीजिए जाके, बस बारी बारी से इसी तरह बनाना पड़ेगा। देखिए कुर्सी के लिए लड़ाई चल रहा है सब, तो धीरे धीरे हम लोग सब बना लिए दोस्तों, मुर्गा का पतपड़वा रोटी देखिए इधर बन के सब तैयार हो गया है एकदम अच्छी तरह से, क्या जी? वो लास्ट था उसको भी बन के तैयार, छोड़ा दीजिए पत्ता सब। ये सब परी बोल रही थी काला रोटी है, और सबसे पहले खा रही है ये। न रे परी, हम काला हो गए,
काला हो जाएगी। काला रोटी खाने से काला काला हो जाएगी। मड़ुआ है रोटी, बड़ी टेस्टी लगती हाँ। खाना है परी, खाने दे दीजिए जी। हम लोग को गर्म गर्म पतपड़वा रोटी बन के हो गया है तैयार। जिसको जिसको खाना है वो प्लीज प्लीज चले आए हम लोग का घर। हम क्या खाने। जी हाँ तो तू सबसे पहले आई है ना, सबसे पहले आई है। हाँ ठीक, तुम्हें मिलेगा सबसे पहले। तो देखिए दोस्तों कितना रोटी। हाँ वाओ, क्या काला रोटी। तो देख सकते हैं दोस्तों हम लोग सुबह सुबह आज ब्रेकफास्ट में यही बनाए हैं, मड़ुआ रोटी छिलका, उसका भी पतपोड़वा करके। क्या जी? जी तो परी बोल रही थी मिट्टी की रोटी नहीं खाएंगे, देखिए सबसे पहले मांग रही है। और दोस्तों जिसको जिसको खाना हो चले आइए हमारे घर, आप लोग को गर्मा गर्म पतपोड़वा रोटी खिलाते हैं, वो भी मड़ुआ का। क्या जी? जी। और वीडियो को आप लोग फुल वॉच कीजिएगा, फुल सपोर्ट बनाए रखिएगा। जो जो नए पुराने होंगे लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी बढ़ा दीजिएगा दोस्तों। फिर मिलेंगे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय। बाय बाय परी, बाए बाए।